हाय गाइस, वेलकम टू अपॉर्चुनिटीज सेंटर। आज मैं आप लोगों को दुआ इंस्टीट्यूट पर ग्रेजुएट स्टडीज स्कॉलरशिप के बारे में बताता हूँ कि ये किस तरह से स्कॉलरशिप के इसके लिए किस तरह आप अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए आप किस तरह मतलब अपना एप्लीकेशन जमा कर सकते हो, आप इसके लिए किस तरह सारा अपना प्रोसेस कर सकते हो। ये जो स्कॉलरशिप है ये हमारे पास है मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए। मास्टर 2 ईयर प्रोग्राम होता है जिसको आप बैचलर के बाद करते हो, तो मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो इस स्कॉलरशिप के ज़रिए। इसके डिटेल्स क्या हैं, इसका जो होस्ट कंट्री है वो कतर है और डिग्री लेवल इसका मास्टर्स इन पीएचडी है और यूनिवर्सिटी इसमें हमारे पास है दुआ इंस्टीट्यूट फॉर ग्रेजुएट स्टडीज़। ये एक इंस्टीट्यूट है जो कतर में है और इसका जो फाइनेंशियल कवरेज है ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और इसका डेडलाइन 15 जनवरी 2024 है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि ये जो स्कॉलरशिप है, मैं आप लोगों को इस स्कॉलरशिप का एग्जैक्ट लिंक देता हूं। आप उसी वेबसाइट पे जाके, मेरे जो डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक दूंगा, आप लिंक पे क्लिक करके उसी वेबसाइट पे जाके भी स्कॉलरशिप को देख सकते हो। पहले जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आप लोगों को, आप सुन लें उनको, मैं आप लोगों को बताता हूं किस तरह अप्लाई करना है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसका जो फाइनल फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं। ये आपको जो एक स्कॉलरशिप, दो स्कॉलरशिप इसमें आते हैं, एक है तमीम स्कॉलरशिप फॉर कतर एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन अरब वर्ल्ड। मतलब जितने भी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और अरब वर्ल्ड, जो अरब मुल्क हैं, दुबई वगैरह, यमन, उनके लिए जो मतलब स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप है, वो पूरी ट्यूशन फी आपको पूरा कवर कर लेगा, आपको अकोमोडेशन पूरा देगा, मंथली स्टिपेंड आपको देगा, आपको हेल्थ इंश्योरेंस देगा और एक दफ़ा जाने का एक दफ़ा आने का खर्चा आपको देगा 2 सालों में। दूसरा है सनाद स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कतरी एंड रेजिडेंट्स इन कतर। मतलब पारन लोगों के लिए भी है या कतर में रहने वाले लोगों के लिए भी है, मतलब जो कतर के रेजिडेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी है। इसका प्रोग्राम फीस है ये 100% मतलब वो कवर कर लेता है और इसका ट्यूशन फीस जो होता है वो तो फुल फ्री कर देता है, जितने भी फीस हैं वो फ्री हो जाते हैं। अकोमोडेशन देता है, आपको रहने का खर्चा देता है, मंथली स्टिपेंड आपको देता है, हेल्थ इंश्योरेंस देता है और आने जाने का आपको वो मतलब एक दफ़ा आने का एक दफ़ा जाने का खर्चा आपको देता है। इसका जो स्टडी फील्ड्स हैं वो साइबर सिक्योरिटी, क्रिटिकल सिक्योरिटी स्टडीज़ है, सोशल साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, सोशल वर्क है, ह्यूमन राइट्स है, मीडिया स्टडीज़ है, हिस्ट्रीज है, हिस्ट्री है, जर्नलिज्म है, पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशंस है, फिलासफी है, लैंग्वेजिस्टिक अरबिक लेक्सोग्राफी है, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी है, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड ह्यूमनिटेरियन एक्शन है, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी में पब्लिक पॉलिसी पढ़ सकते हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एग्जीक्यूटिव मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डुअल EMBA डिग्री। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या है, स्कॉलरशिप इज ओपन टू द सिटीजन ऑफ ऑल कंट्रीज। दुनिया के किसी भी मुल्क में आप रहते हो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई किस तरह करते हैं मैं ये चीज़ भी आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह इसका प्रोसेस क्या है, इसके लिए किस तरह अप्लाई करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। द एप्लीकेंट मस्ट हैव अर्न्ड अ बैचलर डिग्री। आपने कोई किसी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री हासिल किया हो या मास्टर डिग्री हासिल किया हो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेंट मस्ट सबमिट ऑल द प्रीवियस एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट करने हैं, आपके बैचलर मास्टर ट्रांसक्रिप्ट हैं वो आपको जमा करने हैं और इसके लिए आईलेट्स ज़रूरी है। आईलेट्स या टोपा, आईलेट्स तो इतना महंगा भी नहीं है, 20-30 हज़ार में इसका हो जाता है, इसका हर साल, इसका हर टाइम इसका टेस्ट होता है। आईलेट्स में आपका 6.5 स्कोर हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 3 रेफरेंस लेटर्स भी चाहिए, जो आपका एकेडमिक जो जहाँ से आपने पढ़ा है वहाँ से 3 रेफरेंस लेटर भी चाहता है। तो उसके बाद आपका करिकुलम होता है, CV जो आपको बनाना है वो तो आपने बना लिया होगा शायद। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, और इसका जो रिजल्ट अनाउंसमेंट है, रिजल्ट सर अनाउंस इन अप्रैल ऑफ ईच ईयर। अप्रैल में इसके रिजल्ट अनाउंस होंगे और अगस्त और सितंबर में इसके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। और इसका डेडलाइन, the last date to apply for masters and phd degree program at dua institute for graduate studies are 15 january 2024। matlab 15 january 2024 iska last date hai aur iske liye kis tarah apply karte hain। all new applicants have to apply online via the online admission portal। ye jo main link niche aapko de raha hu is link ko follow karke aap iske scholarship ke liye apply kar sakte ho, lekin zaruri baat ye hai ki aapko pehle
दुआ इंस्टीट्यूट में एडमिशन्स लेना है। पहले आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। जब आपका मास्टर्स में या पीएचडी में आपका एडमिशन होगा तब आप इस लिंक को फॉलो करके इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तब वो आपको ईमेल करेंगे, भाई आपका आपको स्कॉलरशिप मिल गया। अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो आप आगे एम्बेसी का प्रोसीजर, वीज़ा वगैरह का प्रोसीजर कर लेते हो, क्लियरेंस वगैरह कर लेते हो। तो पहले आपको इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना है, मतलब जब आपको एडमिशन मिल जाएगा तब आप इसके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। लिंक नीचे दिया गया है, आप इस लिंक को फॉलो कर करके मतलब उसी दुआ इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, इसके एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एडमिशन मिलने के बाद आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो।